धूं धूं करके जला दिया सूरज मल के पलटवार को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो सूरज मल का पलटवार काफी इंटरेस्टिंग था, जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी कि ये मेरा पलटवार है। मानसिंह भी हैरान कि ये क्या कर रहे हैं सूरजमल जी, मगर सूरजमल को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये लालच के टुकड़े फेंकूंगा और खंडेराव इनको खा लेंगे। मगर खंडेराव के साथ कौन है यहाँ पे, तो खंडेराव ने खुद भी बात को कुछ और तरीके से सोचा, मगर यहाँ पे देवी अहिल्या भी है साथ में। तो क्या हुआ उसका उस पलटवार का, और क्या वो पलटवार सूरजमल के ऊपर ही पलटा, ये भी समझने की चीज है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सूरज मल को गुस्सा आया, उसने अपना गुस्सा निकाला, मगर समझाने पे मानसिंह के मान गया कि अभी क्योंकि मेरे पास ना तो ज्यादा सेना है ना ही मेरा गोला बारूद मेरे तक पहुंचा है, तो मैं कमजोर हूं अभी, इसलिए मुझे कुछ और करना चाहिए। आत्मसमर्पण की बात की सूरजमल ने, और आत्मसमर्पण में उन्होंने लालच फेंका खंडेराव की तरफ, मगर ये यहां पे भूल गए कि दूसरी तरफ देवी अहिल्या भी है। उधर खंडेराव ने भी अपनी तरफ से पूरी जो है चीजें कर ली और ये प्रस्ताव भी रख दिया कि अब हमें हमला करना चाहिए सूरजमल पे, क्योंकि हमारे पास अब तो हथियार भी बहुत ज्यादा है और ये सूरजमल के ही हथियार है, उसकी ताकत तो हमने आधी कर दी है, जो कि सच है, ताकत आदि कर दी। सेना को खंडेराव ने खत्म कर दिया, हथियारों को देवी अहिल्या ने जीत लिया और खंडेराव की जान भी बचा ली, तो आधी ताकत तो कर दी, तो फिर हमला करने में क्या प्रॉब्लम है। मगर यहां देवी अहिल्या ने जो कहा वो भी काबिले गौर था कि उसका सबसे बड़ा जो दिमाग है ना, उसकी ताकत, उसको हम अभी नहीं कम कर पाए। वो क्या करेगा कैसे करेगा ये उसका दिमाग ही जानता, वो बहुत ही चालाक इंसान है, धोखेबाज है सबसे बड़ी बात। तो वो अगला धोखा क्या देगा वो हमें समझना पड़ेगा उसके दिमाग की तरह सोच के। और तभी पलटवार आता है दोस्तों, जिसको सूरजमल कह रहे थे मानसिंह से कि ये मेरा पलटवार है, इतनी राशि दूंगा खंडेराव को, इतनी जमीन दूंगा, गांव दूंगा, इतना सब दूंगा, और उसको कहूंगा कि वापस चला जाए और मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं, मतलब हार मान ली मैंने। ये गोली जो लपेट के मैसेज में वो खंडेराव को भेजता है। अब खंडेराव भी जब उसको पढ़ते हैं उनका रिएक्शन, ये तो मतलब इसका तो मतलब ही नहीं है, मतलब ये अच्छा लगा मुझे कि खंडेराव ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, देवी अहिल्या ने तो करना ही था और फिर तो कुछ ने भी कर दिया। वो इसलिए भी रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने पहले से समझ के रखा है कि इसको मारना कैसे है, सूरजमल को कैसे उसको अपनी मांद में से बाहर निकालना है। तो वो तो जो आगे हम देखेंगे देखेंगे कैसे जागरण में सूरजमल आता है, कैसे चीजें होती हैं, क्योंकि हमने देखा सब लोग अपने अपने जो है भेष बदल के उस जागरण में शामिल होने वाले हैं, तो ये तो उन्होंने सोच रखा है। तो अब वो इसकी चाल में कैसे फंसेंगे, जो पलटवार करके भेजा है सूरजमल ने इतने लालच के साथ, उसने समझ लिया कि ये तो सब बेवकूफी है, ये सब तो पहले जो मुझे हरा चुके हैं ये बेवकूफी है, मैं अब लिख के भेजूंगा, इतना बड़ा हूं मैं कि ये सोचेंगे कि हाँ सूरजमल ने भेजा है आत्मसमर्पण, हम पैसे लेते हैं और वापस चले जाते हैं। और बड़ी चीज जो खंडेराव कमिट करके आया है कि दिल्ली के बादशाह की मदद करनी है, जो सूरजमल ने लिखा कि वो मदद आप नहीं करोगे, तो ये तो खंडेराव करेंगे ही नहीं, क्योंकि खंडेराव ने उनके साथ कमिटमेंट की है। और ये सूरजमल ने सोच कैसे लिया कि खंडेराव अपनी कमिटमेंट से मुकर जाएंगे। तो ये सूरजमल का पलटवार उसकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। और इसी पलटवार को जिस तरह देवी अहिल्या और बाकी लोगों ने, खंडेराव तो कुजी और बाकी सेना के जो अध्यक्ष खड़े हैं, उन्होंने जिस तरह जो जो ढोल बजाया जो जगाने के लिए सूरजमल को कि देखो हम तुम्हारे पलटवार का जवाब क्या दे रहे हैं, जो हमने देखा इस सीरियल में, जो इस कड़ी में देखा, तो वो सिर्फ यही है कि वो संदेश जो है उसको देवी अहिल्या अपने हाथों से सूरजमल को दिखाते हुए जला देंगे कि ये है तुम्हारे पलटवार का जवाब, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी समझौता। तो दोस्तों जब ये चीजें होंगी
और फिर देवी के जागरण में जो होगा वो सब देख के एक बार तो तय हो जाएगा कि खंडेराव की जीत पक्की है, और जीत जो आदि ऑलरेडी हो चुकी है, और अब तो देवी अहिल्या साथ में आ गई है, तो जीत तो पक्की है मगर मृत्यु भी। तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, मगर फिलहाल अच्छा लगा कि जब देवी अहिल्या और खंडेराव मिल गए। आपका क्या कहना है, और ये जो पलटवार का जवाब है ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.